नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर की छतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाहते हैं कि सरकार केवल चुप नहीं रही बल्कि इसी समय में उसने मजदूरों के श्रम कानूनों पर हमला बोल दिया और जो कई कानून हैं उसको पिछले दरवाजे से बगैर संसद के अंदर बगैर विधानसभा के अंदर उस पर चर्चा करके या तो प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से या ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो उसको बदल दिया। और ये हमने देखा कि किस तरीके से पूरा जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसको पूरा बदलने की एक कवायद जो है सरकार ने कर दी। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसको बदलने की कवायद की। इसी के साथ साथ जो फैक्ट्री एक्ट है उसको बदल दिया। 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे में तब्दील कर दिया। मजदूरों से हड़ताल के अधिकार पर जो है एक तरह से उसमें कटौती करने की कोशिश की। जो मजदूरों को बेनिफिट मिलते थे उस पर पूरा एक हमला बोल दिया। तो इसके खिलाफ पूरे देश में लड़ाई चल रही है कि कोरोना के समय में जो सबसे गरीब थे जिनको मदद मिलनी चाहिए थी उनको मदद तो मिली नहीं और इसके मदद के बजाय उनके कानूनों को ही पलट कर रख दिया और उनके कोई वेतन का जो सवाल आज भी खड़ा है। तो इसलिए आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन हम कर रहे हैं और ये भी कहना चाहते हैं केंद्र की सरकार को कि अगला पड़ाव जो है वो 9 अगस्त को होगा जो भारत छोड़ो आंदोलन के दिन के रूप में जाना जाता है, जिस दिन जो है हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों किसान और मजदूर दोनों मिलकर जो सड़कों पर आ जाएंगे। और केंद्र की मोदी सरकार को और हिमाचल सरकार को हम कहना चाहते हैं मजदूरों को अप्रैल मई जून का वेतन दो, 7,500 रुपया हर उस परिवार को जो सरकार मदद दे जो आयकर मुक्त हैं, जो आयकर के परिधि में नहीं आते हैं। और इसके साथ साथ 10 किलो राशन जो है हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये अगर सरकार नहीं करेगी, छटनी रोकेगी नहीं, मजदूरों की नौकरियों को नहीं बचाएगी, उनके वेतन को नहीं सुनिश्चित करेगी तो निश्चित तौर से अगले पड़ाव का ऐलान जो है पहले ही कर दिया गया है जो 9 अगस्त को होगा मजदूर और किसान आंदोलन के रूप में।